हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। तो इनका हम नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, उपलब्धि, ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है कोइरीपुर गाँव, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु वर्ष 1962 ईस्वी में हुई और इनके पिता का नाम है पंडित रामदत्त त्रिपाठी। इन्होंने शिक्षा कोरईपुर गांव नवी तक, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी भाषा का ज्ञान है। यानी जो जिस गांव में ये रहा करते थे, जिसका नाम है कोइरीपुर गांव, उसमें इन्होंने नवी तक इन्हें पढ़ाई की है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और इन्होंने भाषा सीखी है संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी भाषा का ज्ञान है। आप जानते हैं कृतियाँ, इनकी कृतियाँ हैं पथिक मिलन, खंड काव्य, वीरांगना, लक्ष्मी, ब्रैकेट में लिखा है उपन्यास, ये उपन्यास है इसलिए लिखा है ब्रैकेट में, फिर है सुभद्रा, जयांत, ये जो है नाटक है, देखिए लिखा हुआ है साथ में, स्वप्नों के चित्र, कहानी संग्रह, ये हो गई इनकी कृतियाँ के बारे में। आप जानते हैं इनकी उपलब्धि, इनकी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री, ये हो गई इनकी उपलब्धि। आप जानते हैं साहित्य में योगदान, यानी साहित्य में स्थान। अगर हम किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसके साथ अलग से लिखा होता है कि ये जो कवि हैं इनका साहित्य में स्थान भी लिखिए। तो इनका जानते हैं साहित्य में स्थान यानी योगदान। हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी मंदिर की स्थापना कर साहित्य में बहुमूल्य योगदान दिया। तो ये था राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। काफ़ी छोटा सा जीवन परिचय है, आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से आप एग्ज़ाम में इसे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।